वहीं अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने गलती कर दी और गलती को सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी छोड़ रही हैं। तो संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रही है। हालांकि क्या वजह है का उनकी तरफ से इस बात का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक साल पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी में जाना गलती थी, ये अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है। गलती मानकर मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रही हूं। और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर इंडी गठबंधन की पार्टियों में दूरियां और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीट को लेकर विवाद बढ़ रहा है, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और वहां से अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान कर दिया गया, जबकि इसी सीट पर कांग्रेस के संजय निरुपम दावेदारी कर रहे थे। अब इस वजह से कांग्रेस बेहद नाराज हो गई है। शनिवार को मुंबई में पार्टी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया था। तो महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में दरार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के ऐलान से कांग्रेस नाराज चल रही है और यह पूरी लड़ाई उत्तर पश्चिमी सीट पर है, जहां पर कांग्रेस के संजय निरुपम एक तरफ सीट पर दावा ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे की तरफ से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। नहीं जाणार नाही, मी कांग्रेस मध्ये आहे और कांग्रेस चा आमचा जो नेतृत्व आहे त्यांच्याकडून मी ही फरियाद करतो की जवाब ही माझा हक आहे आणि माझा मी माझा हक जर लोकांसमोर ठेवला म्हणजे तो चुकीचे आहे का? एका व्यक्ती तुमच्या काँग्रेसचा एका कार्यकर्ता तुमच्या काँग्रेसचा एका पराभूत। तो उद्धव ठाकरे के मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कांग्रेस आंख बबूला हो गई। कांग्रेस नेता ने अपनी नाराजगी ट्वीट कर जाहिर कर दी। उन्होंने लिखा, बची कुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से एमवीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि कई मीटिंग के बाद भी सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। 8 से 9 ऐसी सीटें हैं जिन पर बातचीत जारी है। उन्होंने उद्धव गुट पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को घोटालेबाज बताया। यही नहीं, उन्होंने इस कांग्रेस को नीचा दिखाने वाली हरकत बताया और कांग्रेस आलाकमान से इसमें हस्तक्षेप की मांग भी की है। तो कांग्रेस की नाराजगी साफ तौर पर उत्तर पश्चिमी सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गठबंधन की जो नैतिकता होती है वो फॉलो नहीं की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से।